जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय अहिंसा परमो धर्म की जय। जय जय परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज महाराज प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज महाराज प्रमाण सागर जी महाराज की। दो भाई थे, दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों भिक्षावृत्ति से अपना जीवन चलाते थे। एक बार दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। छोटे ने कहा जैसा आप ठीक समझें। बड़े ने कहा ऐसा करता हूँ, हमारे पास जो भी संपत्ति है उसे आधा आधा बांट लेता हूँ, जैसा आप ठीक समझें। ये कोई बात हुई? मैं तुझसे 10 साल बड़ा, आज जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है उसमें मेरी भूमिका ज़्यादा है, तू बराबरी का लेगा? नहीं, मैं 70% अपने पास रखता हूँ, 30% तुम्हें देता हूँ, जैसा आप ठीक समझें। ये कोई बात हुई? अभी तू कर लेगा और बाद में लोग कहेंगे अरे उसने सब अपने आप हड़प लिया, इसको कुछ नहीं दिया, जैसा आप ठीक समझे। अपने पास एक सोने का कटोरा है, क्या करना है उसे? बोले जैसा आप ठीक समझे। मैं रख लूं? जैसा आप ठीक समझे। अरे मैं रख लूंगा तो अभी लोग कहेंगे कि सब भाई नहीं रख लिया। ऐसा करते हैं, उसको टुकड़े करके आधा आधा बांट लेते हैं, जैसा आप ठीक समझे। तो जब आधा आधा करेंगे तो ना मेरे काम का रहेगा ना तेरे काम का रहेगा। तो एक काम करता हूं, इसे तू ही रख ले, जैसा आप ठीक समझे। ये बात मैं तुझे दे दूंगा, तू ही रख लेगा, जैसा आप ठीक समझे। सामने वाले ने कहा कि तू लड़ना नहीं चाहता क्या? बोले मैं लड़ना नहीं चाहता, जैसा हूँ वैसा रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा फेंको कटोरा एक तरफ, अब हम साथ साथ रहेंगे। वस्तुतः हृदय के प्रेमाभिव्यक्ति का एक बहुत अच्छा माध्यम है ये। सामने वाले व्यक्ति के मन में क्षोभ हो और दूसरा अगर शांत हो जाए तो कभी लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तब होती है जब दोनों गर्म हो जाते हैं, एक गर्म हो एक नरम। मनुष्य के भीतर ऐसी सहनशीलता विकसित होनी चाहिए। व्यक्ति और समाज दोनों की सेहत के लिए इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सम्यक दर्शन का वात्सल्य अंग हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। जीवन की मधुरता और समरसता को बनाए रखने के लिए हृदय में प्रेम वात्सल्य की रसधार फूटनी ही चाहिए। उसके अभाव में जीवन नीरस है। कल मैंने आप सबसे बात की थी घर परिवार में प्रेम का विस्तार कैसे करें। आज बात आगे बढ़ाते हुए समाज में प्रेम व्यवहार कैसे बने। वर्तमान में हमारी समझ में आपसी प्रेम वात्सल्य दिनों दिन छीन होता जा रहा है। एक समय था जब लोग एक दूसरे की कद्र करते थे, एक दूसरे को मान देते थे और एक दूसरे के काम आते थे, एक दूसरे को सहयोग करते थे, तो लोगों का आपस में बड़ा गहरा प्रेम रहता था, वात्सल्य रहता था। आजकल इसका दिनों दिन अभाव होता जा रहा है। अब लोग एक दूसरे की कद्र करने की जगह एक दूसरे की काट करते हैं, एक दूसरे को मान देने की जगह एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करने की जगह एक दूसरे को चूना लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये उल्टा खेल हो रहा है। नतीजा समाज में जो पारस्परिक प्रेम और वात्सल्य दिखना चाहिए उसकी जगह घृणा और उपेक्षा ने ले ली है। इसने हमारे समाज के आंतरिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। सवाल है समाज में प्रेम के भाव का विस्तार हम कैसे करें। चार बातें आज सामाजिक संदर्भ में मैं फिर से कह रहा हूँ, उसे उसी रूप में देख करके चलना चाहिए। सबसे पहली बात,
हम अगर समाज में प्रेम व्यवहार को बनाए रखना चाहते हैं तो सहयोग की बात आनी चाहिए। घर परिवार में भी मैंने सहयोग की बात की, समाज में भी सहयोग की बात होनी चाहिए। एक दूसरे का सहयोग अगर हम देने लगे तो लोग एक दूसरे से अभिभूत हुए बिना नहीं रहेंगे। इससे जहाँ प्रेम वात्सल्य बढ़ेगा वहीं हमारी सामाजिक ताकत भी दिखेगी, सामाजिक शक्ति भी दिखेगी। हमारे यहाँ प्राचीन काल में एक दूसरे को सहयोग देने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति थी। लोग एक दूसरे के काम आते थे तो लोग जीवन भर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। आजकल इनका दिनों दिन अभाव हो रहा है। हम अपनी पुरानी व्यवस्थाओं को देखें, लोग किस तरीके से सहयोग देते थे और उस सहयोग के बदौलत लोग एक दूसरे को कितना मजबूत बनाए। आज वो चीज़ें लगभग लगभग समाप्त प्राय होते जा रही है, जिसे वापस पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है। दो एक उदाहरण मैं आप सबके बीच रखते हुए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। जब मैं पश्चिम बंगाल में था तो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में गया। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट कभी भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। वहाँ एक गाँव है अड़ंगाबाद। अड़ंगाबाद में 25 परिवार हैं जैनों के। जब मैं वहाँ गया तो मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ कब आकर के बसे। सब राजस्थान के बाएं से आके बसे थे। तो वहाँ के अध्यक्ष थे उस समय ताराचंद जी सेठी। उन्होंने कहा, महाराज हम लोगों के यहाँ बसने की बड़ी अलग कहानी है। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ बहुत गरीबी थी और हमारे दादा परदादा काम की तलाश में यहाँ आए थे। यहाँ का एक जागीरदार एक श्वेतांबर भाई थे। उनको मालूम पड़ा कि दो मारवाड़ी भाई काम की तलाश में रामपुर हाट आए हुए हैं। लगभग 70-80 किलोमीटर का अंतराल है आपके जा करके औरंगाबाद और रामपुर हाट में, इतना ही है ना। अब उनको मालूम पड़ा है केवल कि दो मारवाड़ी भाई आए हैं काम की तलाश में। कोई अता नहीं, पता नहीं, परिचय नहीं, संपर्क नहीं। लेकिन भावना क्या होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फौरन उन्होंने अपने आदमियों को रामपुर हाट भेजा और कहा जाओ उनको लेकर आओ। आने पर अपने गद्दी में ठहराया, बासे में भोजन कराया। उनका बासा चलता था, बासा यानी भोजनालय, भोजन करो रहो। एक दो दिन देखा और दो गठान माल दिया, बोला लो बेचो और कमाओ। इनमें लगनशीलता थी, हुनर था, इनने सफलता पाई। आगे चल करके उनने उनको वहाँ बसा लिया, रहने के लिए घर के लिए जगह दिया, मंदिर के लिए स्थान दिया। ये नतीजा कि उस समय लगभग 125 वर्ष हो गए थे, 10 साल पुरानी बात है। और तब और अब में वहाँ सब के सब परिवार सुसंपन्न परिवार है। 25 परिवार हैं और एक परिवार भी कमज़ोर नहीं है। कैसे सहयोग किया आप सोच सकते हैं? आज अगर तुम्हारा सगा भाई भी हो और ऐसी कोई स्थिति हो तो तुम क्या सहयोग करोगे? मारवाड़ी समाज में सहयोग की बड़ी प्रगाढ़ भावना थी, इसलिए पूरे विश्व में मारवाड़ी बहुत तेजी से फैले और पनपे। एक कहावत विकसित हुआ, जहाँ न जाए बैलगाड़ी वहाँ जाए मारवाड़ी। ये पारस्परिक सहयोग की भावना का एक उदाहरण है। क्या आज हम ऐसा नहीं कर सकते? तुम किसी को आर्थिक सहयोग दो ये मैं नहीं कहता, पर क्या व्यावसायिक सहयोग नहीं दे सकते? तुम जो कारोबार कर रहे हो उस कारोबार से अनेक लोग जुड़े हैं, क्या तुम अपनी प्राथमिकता में अपने साधर्मी को नहीं रख सकते कि चलो दूसरों की जगह मैं उसको प्रायोरिटी दूंगा और उसमें भी उसको जिसको ज्यादा नीड है? क्या करते आप लोग?
सब बड़े बड़े के पीछे भागते हैं, अरे छोटे के चक्कर में कोई जाए। आजकल की सोच पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गई, और प्रोफेशनल लोग कैलकुलेटिव होते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते। कैलकुलेशन से व्यापार चलता है और कोऑपरेशन से प्यार बढ़ता है। तय तुम्हें करना है कि क्या करना है। कई लोग हैं, अरे छोटे को कौन देगा काम, छोटे को काम देने में कौन झंझट में पड़ेगा, बड़े को पकड़ो हमारा टेंशन कम। प्रोफेशनल दृष्टि से ये ठीक है, पर अगर सोशल दृष्टि से देखा जाए तो ये ठीक नहीं। संत कहते हैं व्यापार करो, लेकिन व्यापार करते करते ये भावना रखो कि मेरे व्यापार में भी यदि कोई एक कमजोर आदमी मजबूत बनता है तो मेरा क्या खोता है। ये दृष्टिकोण रखा जा सकता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं रखते, और इसकी वजह दोनों तरफ से कमी है। जो लोग, कुछ लोग तो रखना नहीं चाहते और कुछ लोग रखते हैं तो उनके अनुभव खट्टे हैं, रखा उनको चूना लगा दिया। ये दोनों चीज़ें गलत है। व्यक्ति को चाहिए कि समर्थ होने पर कमजोर को सहायता दे, और जिनने सहायता पाई है उन्हें चाहिए कि जीवन भर उसके लिए कृतज्ञ बने रहे, कभी कृतघ्नि ना हो, उसका कृतज्ञ बने। ऐसा कोई आचरण और व्यवहार न करे कि जो तुम्हारा आश्रयदाता है उसको ही तुम चूना लगा दो या उसको नुकसान पहुंचा दो। यदि एक दूसरे के प्रति ये भावना जुड़ी रहे सहयोग की और कृतज्ञता की, तो कभी कोई किसी की उपेक्षा नहीं करेगा। एक दूसरी घटना देखिए, सहयोग हम कितने छोटे स्तर पर दे सकते हैं और सामने वाले को कैसे मजबूत कर सकते हैं। दो घटना और सुनाता हूँ आपको। ये एक घटना जो अभी सुनाने जा रहा हूँ, पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य जी ने कभी सुनाई थी, आज से लगभग 32 वर्ष पहले एक वाचना में। उन्होंने कहा कि इंदौर में एक मार्केट में गए, उन्हें दिया सलाई की जरूरत थी, माचिस की जरूरत थी, बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। एक दो दुकानों में गए, वहाँ माचिस नहीं थी, तो एक ने कहा भैया आपको माचिस चाहिए, बाबूजी तो आखिरी में जो छोटी सी दुकान है ना, वहाँ जाइए, वहाँ आपको माचिस मिलेगी। पंडित जी गए, देखा तो वो केवल माचिस की दुकान थी, 20 दुकान का कॉम्प्लेक्स, सिंधी समाज का मार्केट था, उनका कॉम्प्लेक्स था। 20 दुकानों के कॉम्प्लेक्स में एक भी दुकान में माचिस नहीं, और इसमें केवल माचिस। पंडित जी तो पंडित जी थे, उनने पूछा क्या बात है भाई, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं रख रहा है और तुम केवल माचिस बेचते हो, बात क्या है। देखिए दृष्टिकोण। बोला बाबूजी मैं बड़ा गरीब था, मेरे पास मेरी जीविका का कोई साधन नहीं था, तो हमारी समाज ने तय किया कि हम लोग माचिस की कमाई का त्याग करें, माचिस नहीं बेचेंगे, और ये आदमी माचिस बेचेगा, पूरे मार्केट में कोई माचिस नहीं बेचता, मैं केवल माचिस बेच करके अपने आप को खड़ा किया। सोच की बात है, कोई माचिस बेच के 100-200 रुपया महीना कमाता होगा, लेकिन 20 आदमी अगर 100-200 रुपया का त्याग करता है तो सामने वाले को 2-4 हजार रुपये भी मिल सकते हैं। तुम्हारे थोड़े से त्याग से किसी को कितनी बड़ी मजबूती मिल सकती, ये एक उदाहरण है। अगर एक दूसरे के साथ ऐसी सहयोग की वृत्ति होने लगे तो क्या कहीं कोई कमजोर रहेगा, कहीं कोई कमजोर रहेगा। हृदय में भाव होना चाहिए, यदि तुम्हारे अंदर सच्चा धर्मानुराग है तो धर्मी से भी अनुराग होगा। न धर्मो धार्मिकैर बिना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। सच्चा धर्मी अन्य धर्मी को तकलीफ में फंसा देखकर खुद तकलीफ महसूस करता है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो खूब पूजा पाठ करते, दान धर्म भी कर देते, लेकिन साधर्मी के प्रति थोड़ी सी भी सोच नहीं रखते। मैं समझता हूं अभी वो धर्म से बहुत दूर है। उनका एक कर्तव्य है,
वहां सहयोग करो, तुम्हारे थोड़े से सहयोग से कोई खड़ा होता है तो क्या हानि। एक दूसरा उदाहरण बता रहे हैं, जबलपुर के कुछ युवक कलकत्ता के मंगला हाट के लिए जा रहे थे। उस समय मंगला हाट बहुत चलता था, ये भी लगभग 20 वर्ष पुरानी घटना है। एक सिंधी व्यापारी के 40,000 रुपये चोरी चले गए। वो 40,000 रुपये लेकर के गया था माल खरीदने, रास्ते में ट्रेन में उसके रुपये चले गए। वो बहुत दुखी होने लगा। जब वो दुखी होने लगा तो उसके 8 सिंधी दोस्त थे, साथी थे, तत्क्षण 8ों ने 5,000 रुपये निकाल कर उसको 40,000 थमा दिए। भैया ले कमा और भूल जा कि हमारा कुछ खोया, घर परिवार को बताना मत, आगे बढ़ जा। और ये बात मुझे एक जैन भाई ने बताई जो खुद व्यापारी था। बोला महाराज मैं भौचक रह गया, मैंने सोचा कितनी उदारता है इन लोगों में, इसकी जगह हमारा कोई जैनी होता तो सोचता कि एक कॉम्पिटिटर कम हुआ। बहुत ही चिंतनीय बात है। तुम्हारे थोड़े से सहयोग से यदि किसी को कोई लाभ मिलता है तो तुम्हारा क्या गया। अगर लोग एक दूसरे को ऐसे कॉपरेट करेंगे तो एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा या घटेगा। आज लोग बोलते हैं महाराज पहले समाज का एक मुखिया होता था, सब उसकी मानते थे, आज समाज में हर कोई नेता हो गया, कोई किसी की नहीं मानता। क्यों? उसकी वजह है, पहले समाज में हर समाज में एक ऐसा व्यक्ति होता था जिसके मातहत सब लोग रहते थे और वो एक प्रकार का मसीहा होता था, जो लोग भी आए काम काज और अन्य कार्य के लिए खुले दिल से उनको सहयोग करता था। उस सहयोग के कारण उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बना रहता था। आज कोई किसी को सहयोग देना ही नहीं चाहता, हाँ सम्मान पाना जरूर चाहता है। इस कारण अब समाजों में हर कोई नेता बनने लगा है। आज भी यदि कोई व्यक्ति आगे आकर के एक दूसरे को संरक्षण सहयोग देने का भाव रखता है तो लोग उसके प्रति अपने आप नतशीश हो जाते हैं, झुकते, उनका ख्याल करते हैं। तो ये सहयोग की भावना हृदय में होनी ही चाहिए। अगर तुम सक्षम हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अक्षम को सक्षम बनाओ। अगर समर्थ होने के बाद भी किसी असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाते हैं तो तुम्हारे सामर्थ्य पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। आज तुम समर्थ हो, किसी की शिक्षा के लिए अगर तुम्हारा थोड़ा सा सहयोग हो, कोई टैलेंटेड बच्चा है, पिताजी 5-10 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, अब उस टैलेंटेड बच्चे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, उसको CA बनना है, उसको MBA की पढ़ाई करनी है, उच्च शिक्षा में जाना है, उसके पिताजी तो उसे पढ़ाने में असमर्थ हैं। अगर तुमने पढ़ा दिया तो तुम्हारा क्या गया, वो आदमी का एक घर बस जाएगा। मेरे संपर्क में अनेक लोग हैं जो इस तरह का कार्य करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं। आपको भी चाहिए कि मैं शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, रोजगार के लिए अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप हम धर्मी जनों के लिए जो सहयोग बन सकेंगे देंगे। ये मेरी प्राथमिकता में रहना चाहिए। मुझे देना है मैं दूंगा। अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग करने लगे तो कोई कमजोर बचेगा। जब जैन समाज के सेंसस की बात आई, आर्थिक जो जैनों का सर्वेक्षण है उसमें आया कि 192,000 परिवार आज जैनों के ऐसे हैं जो गरीब हैं। रिकॉर्ड के अनुसार कितने परिवार? 192,000 परिवार। वर्तमान शिक्षक के अनुसार 900,000 परिवार होंगे जैनों के, अगर एक में 5 जोड़ते हैं तो, सेंसस के अनुसार 900,000 में 192,000, लगभग 20%, इतना ही हुआ ना, 20%, 22% मान लो।
22% जैन अगर कमजोर हैं तो 40% जैन अति सक्षम है। अगर एक परिवार ने एक परिवार की जवाबदेही ले ली तो समाज में कोई कमजोर नहीं रह सकता। पहल भर की देर है। तय करो मैं अपने जीवन में कम से कम एक को ठीक करूंगा, इतना तो कर सकते हो, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। उनको पैसा नहीं देंगे, उन्हें समर्थ बनाएंगे। ये साधर्मी वात्सल्य का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हमें चाहिए कि यदि मैं समर्थ हुआ हूं तो मैं औरों को भी अपने समान बनाने की दिशा में काम करूं, कोई कमजोर न रहे। पर लोगों का इस दिशा में कम ध्यान है, जो बहुत आवश्यक होना चाहिए। आचार्य इंद्रनंदी ने अपने आचार सार नामक ग्रंथ में बहुत ही मार्के की बात लिखी, जैनानाम आपद्गतांस्तस्मात् उपकुर्वन्तु सर्वथा, यो समर्थोप्युपेक्षित स कथम समयी भवे। आपत्तिग्रस्त धर्मात्माओं का सब प्रकार से उपकार करना चाहिए। जो समर्थ होकर के भी उपेक्षा करता है वो कैसा धर्मी है। समाज में धनपति तो अनेक हैं, दान देने वाले लोग भी अनेक हैं, लेकिन और कार्यों में तुम जितना दान लगाते हो अपने साधर्मी के सहयोग के लिए उसका कितना अंश है, इसके विषय में सोचो। तुम्हारा मन और कार्यों के लिए तो उत्साहित हो जाता है, पर किसी को सहयोग देने की बात आती तो उसके लिए। मुझे तो एक ही उदाहरण दिखा इस क्षेत्र में, अशोक जी पाटनी का। आज वो अपने आरके फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा करोड़ों रुपया साल में लोगों के सहयोग के लिए देते हैं, जिसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, हजारों महिलाओं को विधवा पेंशन देते हैं 3500 उससे भी ज़्यादा। और अशोक जी के ऑफिस में जब मैं गया तो कुछ फाइलें पड़ी हुई थी, ढेर था। तो बताया, महाराज इसमें से एक फाइल भी मेरे बिजनेस की नहीं है, मेरा यही धंधा है। ये क्या है, लोगों की जो पत्र आते, आवेदन आते, वो आते हैं और मैं सप्ताह में एक दिन बैठता हूँ, इसको निपटाता हूँ। मैंने पूछा कि आप कितने लोगों को सहयोग करते होंगे, तो उनने कहा मैंने दिमाग ही नहीं लगाया ताकि मुझे लगे नहीं कि कितना रुपया जा रहा है। उनके CFO से जब मैंने बात की तो बोला, महाराज जी करीब 10 से 15 हज़ार एप्लीकेशन प्रत्येक माह यहाँ से जाते हैं, और अशोक जी ने ये व्यवस्था ऐसी कर ली है कि बोले मेरे नहीं रहने के बाद भी ये चलते रहेगी। ये एक सोच है। बड़े बड़े धनपति हैं समाज में, अगर लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा करने लगे तो हमारी समाज कहीं से पिछड़ी रहेगी, सोचने की बात है। कई बार लोगों के सोशल मीडिया में बातें आती कि गरीबी और तंगी के कारण लोगों को मरना पड़ रहा है, या धर्म परिवर्तन करने की बात भी यदा कदा आ जाती। ये समाज के लिए लानत की बात है। हमें खोज करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि कई लोग उल्टे सीधे कर्म करके कर्जदार बन जाते लाखों करोड़ों के, और वो अपेक्षा रखते हैं कि हमें कोई सहयोग कर दे, और नहीं हो तो उसे फिर समाज को गालियां देना शुरू कर देते। एक बात मैं बोलता हूँ, बड़ों की कृपा उनकी करुणा है, हमारा अधिकार नहीं। और कभी भी बड़ों की कृपा को अपना अधिकार मत मानना। जो अधिकार मानते हैं वे अपनी धूर्तता का परिचय देते हैं। लोगों को देना चाहिए, लेकिन हमें भी सोच समझ करके चलना चाहिए। ऐसा करोगे, करोड़ों का खेल खेलोगे तो कौन क्या कर पाएगा। हिसाब से चलो, ओवर एस्टिमेट काम ही ना करो, सही नीति और सही नियत से काम करो, और छुटपुट जो भी आवश्यकताएं हैं
उनकी पूर्ति का उपक्रम समाज के लोगों को करना चाहिए। मैंने रतलाम में जैन जनगणना अभियान की बात की थी, जिसे हमने धर्म बढ़ाओ अभियान का एक पाठ बताया था। उसके पीछे भी मेरा मकसद यही था कि जैन समाज की वास्तविकता का हम आकलन करें, समाज की वास्तविक जनसंख्या को जान सकें और उसके बाद उनका आर्थिक सर्वेक्षण कराकर संगठित रूप से कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सके। आप सब सुनकर के ताज्जुब करोगे, वर्तमान सेंसस के अनुसार 250 भिखारी भी हैं जैन, 250 जैन भिखारी हैं, सेंसस बता रहा है। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, किसी भी नाम में लिख दे, लेकिन अभी सरकार के आंकड़े में 250 जैन भिखारी हैं। तो हमें चाहिए कि समाज के सर्वतोमुखी विकास के लिए कुछ योजना बनाए, कार्य कराए। हमने उस दिशा में लोगों को प्रेरणा देना शुरू कर दी है और आज मैं आह्वान करता हूं तमाम लोगों से जो इस तरह के कार्य में अपनी रुचि रखते हैं, इस योजना से जुड़े। आने वाले 7 जून को उसी के लिए एक बड़ी बैठक भी यहां की गई है, जैन जागरूकता अभियान, जनगणना जागरूकता अभियान के लिए, ताकि हम अभियान को गति दे सके, एक जागरूकता फैला सके। और यहाँ देश भर से बहुत सारे प्रतिनिधि आ रहे हैं, हो सकता है बहुतों तक सूचना न पहुँची हो, पर इस खुले मंच का आमंत्रण समझें, क्योंकि सब लोगों के एड्रेस, नाम, पता, जानकारी, रुचि का पता नहीं लगता। लेकिन पूरे देश के उन तमाम लोगों को मैं आह्वान करता हूँ जो इस कार्य में रुचि रखते हैं और जो चाहते हैं कि मैं अपनी शक्ति और संसाधन को समाज के कल्याणोन्मुखी योजनाओं में लगाऊं, स्वागत है, यहाँ आए, 7 तारीख को यहाँ आकर के बैठे और अपना क्या योगदान दे सकते हैं सुनिश्चित करें। मेरी भावना है कि आने वाले साल भर के अंदर हम समाज की जनगणना की वास्तविकता का एक समाज में बोध करा सके, क्योंकि जो सेंसस की रिपोर्ट है वो सही नहीं है, जो सेंसस कहता है और जो वास्तविक है उसमें लगभग डबल का अंतर है। तो हमें अगर इस प्रयास को करेंगे तो इससे आने वाले सेंसस के रिपोर्ट में हम सही जनगणना करा सकेंगे और इसी प्रयास से एक प्रयास होगा जिससे समाज के कमजोर और पिछड़े लोगों का हम पता लगा सकेंगे, समाज का एक आर्थिक सर्वेक्षण समाज के आधार पर किया जा सकेगा और आर्थिक सर्वेक्षण करके व्यापक रूप से समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य किए जा सकेंगे। अभी बहुत सारे लोग जब ये योजना आई पहुंच गए, महाराज हमें ये सहयोग दे, सहयोग दे, सहयोग दे। अरे भैया, पहले योजना तो बनने दें, पहला काम है हम समाज की जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण को पूरा करें, फिर पूरे देश भर के लोगों के बीच उसे रख करके एक ठोस कार्य योजना बनाए और ये तय करें कि हम समाज में एक भी व्यक्ति को कमजोर नहीं रहने देंगे, सबको सहयोग देंगे। तो जो 7 तारीख का आने वाला 7 जून का जैन जागरूकता, जैन जनगणना जागरूकता अभियान के लिए एक बैठक यहाँ पर की गई है, उसमें आप सब आ सकते हैं और जो आ रहे हों क्षेत्र कमेटी को अपनी पूर्व सूचना दे दें ताकि ये आपकी सुविधाओं का प्रबंध कर सके। और ये एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, सामयिक जन कल्याणकारी कार्यक्रम, जिसे हमें बहुत तत्परता से आगे बढ़ानी है। हमें युवाओं से भी मैं ये कहना चाहूँगा, युवाओं का रुझान इस दिशा में बहुत है और आज जैन समाज का युवा बड़ा सक्षम होता जा रहा है, हमें उसे देखना है। और एक चुनौती की बात यह है कि 14 साल से नीचे के लोगों की संख्या हमारी सबसे कम है, ये जनसंख्या में ये दर बहुत कम हो रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि यदि हमने जागरूकता नहीं ली तो आज से 20 वर्ष बाद पूरी समाज बूढ़ी हो जाएगी और जिस दिन जैन समाज बूढ़ी होगी जैन धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा और बुढ़ापे के बाद क्या होता है तुम्हें पता है। तो समाज को जवान बनाए रखने के लिए हमें इस दिशा में भी ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनका हमें ध्यान रखना है। ये जैन समाज के मंच से मैं बात कर रहा हूं और जैन से जन तक चलने का हमारा प्रयास होना चाहिए। घर को सुधारो, फिर औरों को भी सुधारो। जैन समाज ने हमेशा जन कल्याणकारी कार्यों में बहुत रुचि रखी है, आगे भी रखेगी, रखना भी चाहिए, करते जाइए। लेकिन जो चुनौतियां हमारे सामने हैं हमें उसे दूर करना है। लोगों में एक बड़ा भ्रम है कि जैनियों के पास बहुत पैसा होता है, पर सब जैनी पैसे वाले नहीं होते। मैंने पल्लेदारों के यहाँ आहार किया है, ऐसे जैन भी है,
जो पल्लेदारी के साथ अपना जीवन चलाते थे, मैं 1991 की बात कर रहा हूँ, गोटे गांव में हमारा प्रवास था और वहाँ बहुत चौके लगते थे, 40-50 चौके लगते थे। एक का चौका 5 दिन से खाली था। सुबह जब मैं निहार के लिए जा रहा था, मेरे साथ के युवकों ने कहा, महाराज इस आदमी का चौका 5 दिन से खाली जा रहा, बड़ा गरीब है। बोले गरीब है, तुम लोगों ने पहले से बताया क्यों नहीं, कौन है वो, क्या करता है? बोला महाराज वो एक पल्लेदार है। बोले पल्लेदार, पल्लेदार समझते ना, हमाली का काम करने वाले। जेनी है, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जेनी है? बोले हाँ महाराज। बोले कोई शराब वराब तो नहीं पीता? बोले नहीं महाराज, बड़ा धर्मात्मा है, साल में 200-400 की एकाध बोली भी ले लेता है। इतना परिचय मेरे लिए पर्याप्त था। मैं आहार के लिए निकला, सीधे उसके दरवाजे पर गया, भक्ति भाव से पड़गहन हुआ। 2 कमरों का घर था, छोटा सा मकान था, बनाया तो उसने बहुत कुछ था, पर पीछे पपीते का पेड़ लगा दिखा। मैंने पपीते की सब्जी, दाल और रोटी ली और कुछ नहीं ली। उस दिन सारे समाज के लोगों के, जिनके भी चौके लगे थे, सब आहार देने के लिए आए, सबका सबसे आहार लिया, पर किसी का एक दाना नहीं लिया। जो चौके का वो ही लिया और उसके अलावा कुछ नहीं लिया। और क्या बताऊँ, रोटी की वो मिठास मुझे आज तक नहीं लगी। फिर मैंने समाज के लोगों को बोला, बोला महाराज पढ़ा लिखा है नहीं, कहीं भी करे ये अभी 500-700 रुपया तो रोज कमाई लेता है। हम बोले फिर भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो वहाँ की मंडी पर जैनों का बहुत अच्छा प्रभाव था, उसे तुलावट के काम में नियुक्त कर दिया। तुलावट होता है जो हर बोरे पर उसको एक कमीशन होता है तोलने पर, तो वो काम में लगा। 1991 की बात है। उसके बाद 1996 में जब हमारा वहाँ चातुर्मास हुआ, जब दोबारा वहाँ जाने का हुआ, तो उसने बोला महाराज आपके चरण क्या पड़ गए, हमारे तो दिन फिर गए, आज मेरा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है और अब हम भी गांव से थोड़ा थोड़ा माल ला करके बेचते हैं, गल्ले का एक छोटा सा धंधा चालू करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये भी हमारे समाज की एक तस्वीर है, ये जन समाज को मालूम होना चाहिए। जैनियों में भी आज ऐसे गरीब लोग हैं जिनका आपको पता नहीं। मैंने निकट से देखा है, मैं सागर में था, ये झलक आप लोगों के बीच होनी चाहिए और इसे सुधारने का दायित्व तो सारी जैन समाज को है, और फिर जैन से जन तक बढ़ने की बात होनी चाहिए। सागर में था एक 14 साल की बच्ची और उसके साथ 16 साल का उसका भाई आया। भाई का हाथ पूरा जला हुआ था, फोके पड़े हुए थे, उसकी बच्ची थी। आकर के बच्ची ने कहा, महाराज मदद चाहने हैं, बुंदेलखंडी में बोला, मदद चाहने हैं, यानी मदद चाहिए। बोले क्या बात हो गई, क्या हो गया? हमारी माँ के पांव कटने हैं, माँ का पैर कटना है। क्या हो गया? पूरा बताया, पैर में इन्फेक्शन था, पैर कटना था, 30,000 रुपये का खर्चा था। क्या करते हो? बोले हमारे पिताजी बीमार हैं। भैया बोला मैं एक होटल में कप बस्सी कर धोता हूँ, और उस लड़की ने बोला हम बासन माजत हैं, बर्तन मास्त। मेरा हृदय अंदर से एकदम उद्वेलित हो उठा, बोले ये क्या मामला है? जहाँ वो रहते थे मैंने एक से पता लगाया कि पूछो, क्योंकि बहुत से फर्जी लोग भी आ जाते हैं। वास्तविकता थी। मैंने कहा ठीक है, अब तुम आए हो, तुम्हारी व्यवस्था होगी। एक बहन बैठी थी, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थी, वो उसी दिन अपनी सैलरी लेकर के आई थी और उसके पर्स में करीब 17,000 रुपये थे, उसने निकाल करके वहीं दे दिया। काम तो उससे चलना नहीं था। मैंने उसका पूछा, रिपोर्ट देखा और मैंने कहा तुम्हारा ऑपरेशन हो जाएगा, चिंता मत करो। डॉक्टर सुभाष जकेरिया हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, भोपाल के बहुत बड़े आर्थोपेडिक सर्जन और गरीबों के मसीहा। मैंने उन तक समाचार भिजवाया और भोपाल में एक अजीत जी पाटनी हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, उनको मैंने कहा, कहलवाया कि एक ऐसा ऐसा पेशेंट है, इसको ठीक करना है। डॉक्टर साहब ने सहज स्वीकार किया, भागोदय के एम्बुलेंस से उस महिला को भिजवाया। डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन किया और पाटनी जी ने उनकी बाहरी व्यवस्था की और वो बच गए। लेकिन मेरा आपसे कहना है, थोड़ा उधर भी झांक कर देखो, समाज का ये भी एक चित्र है।
जो लोक धारणा है कि जैनी सब पैसे वाले हैं, ये धारणा गलत है। तो जो जैनी पैसे वाले हैं उन्हें चाहिए कि जो वाकई में गरीब है पहले स्तर में उनका उत्थान करे। और एक बात और बताऊं, दूसरे गरीबों का तो BPL EPL सब बन जाता है, जैनियों के लिए तो कहीं से कोई मदद नहीं, न सरकार से न बाहर से। तो तुम्हारा ये दायित्व है, आज महाराष्ट्र में आप जाओगे तो बहुत सारे जैन खेतीहर मजदूरी कर रहे, बुंदेलखंड में भी कुछ गरीब हैं और भी गरीब हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। मुश्किल यह है कि उजाले में रहने वाले व्यक्ति को अंधेरे में कुछ दिखता नहीं, अंधेरा वाले को तो उजाला वाला दिख जाता है। तुम समर्थ हो तो तुम्हें गरीबी का एहसास नहीं है और गरीबों का एहसास नहीं है। पता लगाकर उस दिशा में कुछ सार्थक प्रयास करना चाहिए और सहयोग देने की मनोवृत्ति को हृदय से जगाना चाहिए। हम ये लक्ष्य बनाए कि मुझे सहयोग देना है, जितना बन सके दें, और इसके लिए चाहिए कि हम सामूहिक स्तर पर कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। इंडिविजुअली देते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को दे देते हैं, संस्कार में रहते हैं, लेकिन इसके बाद सब तक बात नहीं पहुंच पाती। जिनकी अप्रोच हो गई उनका काम हो गया, जिनको अप्रोच नहीं मिली उनको तो बेचारे को ऐसे ही भटकना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमें इसे अपने एक मिशन का अंग बनाना चाहिए और तय करना चाहिए कि हम समाज को पूरी तरह से समर्थ बना सके, समाज में एक भी अशिक्षित ना हो, एक भी असक्त ना हो, एक भी गरीब ना हो और एक भी कमजोर ना हो। ये प्रयास और ये संकल्प समाज का होना चाहिए। मेरा ध्यान इस पर है और मैं बराबर प्रेरणा भी देता हूँ, और इसी दिशा में मैंने सोचा है कि एक साल से के भीतर ये सारा कार्य हो जाए तो 2020 में इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए जो पूरे समाज का गुणात्मक परिवर्तन कर सके। और यही गुणायतन का एक मिशन है, यही गुणायतन का एक विजन है, इस दिशा में काम होना चाहिए। सहयोग के बाद है संरक्षण। संरक्षण दीजिए, सहयोग तो दे दिए, कई बार प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, किसी को आर्थिक संरक्षण की, किसी की पॉलिटिकल संरक्षण की, किसी को सामाजिक संरक्षण की, किसी को अन्य प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता है। तो जहां जिसे जैसी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हमें करनी चाहिए। संरक्षण दो, एक दूसरे को संरक्षित करो, ताकि कोई आदमी अपने आप को विवश लाचार महसूस ना करे, कमजोर महसूस ना करे। जो व्यक्ति स्ट्रांग है यदि कमजोर को प्रोटेक्ट करने लगे तो कोई कहीं गलत होगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि गलत करने वाले को भी तुम प्रोटेक्ट करो, पर जो दूसरों के अन्याय के शिकार हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने में तो तुम आगे आ सकते हो। अरे हमें क्या लेना देना, ये प्रवृत्ति आजकल बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये मनुष्य की बढ़ती हुई संवेदनहीनता का उदाहरण है, हमें इससे बचना चाहिए। संरक्षण की वृत्ति को बढ़ाना चाहिए। अगर हमने थोड़ा सा संरक्षण किसी को दे दिया तो कोई भी व्यक्ति पनप सकता है, फल फूल सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आप चाहे शासन में हो, प्रशासन में हो, या किसी राजनीतिक क्षेत्र में हो, या और कहीं, आज के समय में एक दूसरे के लिए प्रोटेक्ट करने की महती आवश्यकता है। संरक्षण दीजिएगा तो सुरक्षित रहिएगा। आजकल लोग गलत को संरक्षण दे देते हैं, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। सही व्यक्ति को आपको संरक्षण देने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। जहां जैसा मौका आए संरक्षण दीजिए, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है, जीवन बदल जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक युवक
जो अपनी गलत नीतियों के कारण कर्जदार बन गया, बड़ा कर्ज, सुसाइड करने की मानसिकता बना ली, उसकी उस स्थिति में उसके एक मामा के मित्र थे, बहुत सक्षम, वो उसके हुनर को जानते थे। ये लड़का तो है तेज घोड़ा, गलत नीति अपनाई, ओवर एस्टिमेट काम किया, इसलिए आज कर्जदार बन गया। लेकिन इस लड़के को अगर सही डायरेक्शन दिया जाए और सही ढंग से संरक्षण दिया जाए तो ये उठ के फिर से खड़ा हो सकता। उन्होंने उस लड़के को बुलाया, उससे उसकी सारी बातें पूछी और कहा, इतनी सी वजह से तू मरने के लिए तैयार हो गया? तेरे जैसे क्षमतावान काबिल व्यक्ति के लिए ये तो बहुत छोटा सा गड्ढा है। लगभग 2.25 करोड़ की देनदारी थी। बोले, तेरे लिए बहुत छोटा सा गड्ढा है, तू भर लेगा, भूल जा। बस एक बात तय कर कि आगे इस गलती को नहीं दोहराएगा, भूल जा। जिसको लेना देना है अब देखेंगे, तो एक काम कर, मेरी एक दाल मिल है उसमें बैठना शुरू कर, मैं देखता हूँ। उसमें हुनर था, संरक्षण मिल गया, दाल मिल में बैठना शुरू किया और अपने अनुभवों से एक प्रकार से बीमार यूनिट को पूरी तरह प्रॉफिट में ला करके खड़ा कर दिया। बहुत तेज़ी से उसने बिजनेस बढ़ा दिया और जब बिजनेस बढ़ा, उसने देख लिया अब इसका समय ठीक है, उसे अपना 30% का हिस्सेदार बना दिया। आज आकर के वो आदमी खड़ा हो गया, औरों का पैसा भी चुका दिया, ये 8 बरस पुरानी घटना है। आज खड़ा हो गया, अपने पैरों पर खड़ा हो गया, किसके बल पर? थोड़ा सा संरक्षण मिल गया, उनका क्या बिगड़ा? उनने न रुपया दिया न पैसा दिया, केवल ठीक है। और उसमें दोनों को फायदा हुआ, हुआ ना फायदा, दोनों को फायदा हुआ। हम ऐसा कर सकते हैं? अब अक्सर लोग क्या करते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, वो तो मिटा देगा, वो मिटा देगा, अपना मिटाए तो सबका मिटा देगा। अरे एक बार गिर गया तो दोबारा गिरेगा ही, ये कोई जरूरी है क्या? अब बिना गिरे खड़ा कौन हुआ ये भी तो देखो। सोच वैसी होनी चाहिए, संरक्षण जहां मुझे जिसको जितना देना है देने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, आंख मूंद करके मत करना, आंख खोल करके करना। अपना घर मिटा करके मत करना, लेकिन मेरा घर ना मिटे और किसी का घर बस जाए, इसमें क्या बुराई है? तो सहयोग, संरक्षण। तीसरी बात है, समाज में एक दूसरे का समादर, जिसकी आज बहुत कमी होने लगी। छोटे बड़े का भेद बहुत होने लगा, लोग एक दूसरे को महत्व देना बंद कर दिए। हम एक दूसरे का समादर करें। कोई आदमी भले अर्थ से कमजोर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि अर्थ से कमजोर है तो सब दृष्टि से कमजोर हो। आज जो छोटा है कल बड़ा भी बन सकता है। पुराने लोग थे जो छोटे बड़े सबका समान मूल्यांकन करते थे। आज कहाँ है ऐसा समादर का भाव? बात्सल्य कहाँ बढ़ेगा? बड़े बड़े को सब पूछता है, छोटे को कोई पूछता ही नहीं, सगा भी नहीं पूछता। लेकिन हमारी क्या परिपाटी थी सो सुनिए आप। सेठ सुगंधदास जी का नाम आपने सुना होगा। सेठ सुगंधदास जी आपके जाकर के लाला हरजस राय जी के पुत्र थे, जिन्होंने हस्तिनापुर का मंदिर बनाया। हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति, उनके यहाँ कोई खुशी का मौका आया। ये लाला हरजस राय की बात है, सेठ सुगंधदास जी की नहीं। लाला हरजस राय जी के यहाँ कोई सुखी की खुशी का मौका आया और उस अवसर पर पूरी समाज में क्या बोलते हैं आप लोग, लावना बटा, लावना ही बोलते हैं ना, मिठाइयाँ बटी, सबके यहाँ बट गई। उनके आदमी लौट कर आए, सेठ साहब ने पूछा कि सबको मिठाई पहुँचा दी? बोले हाँ पहुँचा दी। कोई बचा तो नहीं? बोले कोई नहीं बचा। एक वंचित रह गया। बोले कौन?
बोले एक है चना बेचने वाला हमारा सधर्मी, खोमचे पर चना बेचता था। अरे क्यों तुम लोग गए नहीं? बोले गए तो थे पर उसने लेने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? बोला उसने कहा हमारा सेठ जी का क्या व्यवहार, हमने जो आज तक सेठ जी को कुछ दिया नहीं तो हम ले कैसे सकते। उन्होंने कहा ठीक है बग्घी तैयार करो। फौरन बग्घी तैयार हुई, मिठाइयों के टोकने बग्घी पर रखा और सेठ साहब खुद उस चना बेचने वाले की दुकान की ओर बढ़ चले। दुकान से कुछ पहले वो बग्घी से उतरे और सीधे जाकर उसकी दुकान में पहुंचे और एक मुट्ठी चना उठा के फाक गए। चना उठा के फाक गए, सामने वाला किंग कर्तव्य विमूल उसके पांव तले धरती से खिसकने लगे, कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या करे क्या कहे। इतना बड़ा सेठ आज उसके दुकान में आया और सेठ जी कह रहे पानी पिलाओ। वो पानी भी कैसे पिलाए, सुराही भी टूटी सी, वो बड़े पसोपेश में। सेठ जी ने उसकी इस झिझक को समझा और एक क्षण का विलंब किए बिना खुद सुराही को झुकाकर ओख से पानी पी लिया अंजलि करके। पानी पीने के बाद उनका इशारा पाते ही मिठाइयों के टोकने उसके आगे हो गए। बोले छोटी सी भेंट है स्वीकार करो। मिठाइयों के टोकने उसके आगे कर दिया और उन्होंने कहा यह छोटी सी भेंट है स्वीकार कीजिए। शेख साहब ये क्या कर रहे हैं, मैंने आज तक आपको कुछ दिया नहीं तो ले कैसे सकता हूँ। बोले किसने कहा तुमने आज तक कुछ नहीं दिया, अभी अभी मैंने तुम्हारा खाया है और पिया भी है इसलिए तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। वो सेठ साहब के व्यवहार से उनके चरणों में गिरने लगा। बोले तुम्हें चरणों में गिरने की जरूरत नहीं हो, तुम मेरे साधर्मी हो। और उनने उसे छाती से लगा लिया, तुम्हारे लिए मेरा हृदय में स्थान है चरणों में। ये उदाहरण है, आदर्श है हमारा। आज के सेठों को पूछो, ऐसों में साधर्मी की बात तो जाने दो, अगर सगा भाई भी होगा ना तो शादी में बुलाने को तैयार नहीं होगा, पहचानने से इनकार कर देगा। क्यों? आज के लोगों की सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो रही है, जबकि हमारी सोच धर्मनिष्ठ होनी चाहिए। हम धर्म से जुड़कर के अगर काम करेंगे तो जीवन में कभी कहीं भी किसी प्रकार की विसंगतियां नहीं हो सकती, हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि दोहरानी चाहिए। तो सहयोग, संरक्षण, समादर और चौथी बात है संगठन। सामाजिक संगठन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारी समाज का आंतरिक संगठन दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। लोग पंथवाद, संघवाद को हवा देकर हमारी संगठन को कमजोर कर रहे हैं। समाज में कितने भी लोग हों, उनका आपस में चाहे कितना भी मतभेद हो, पंथभेद हो, लेकिन पंथवाद हावी नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ इस तरह की प्रवृत्ति हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। और ऐसा हम प्रयास करें, ऐसा हम पुरुषार्थ करेंगे तो समाज की फिजा कुछ और होगी। हमारी कोशिश हो कि मैं कहीं भी समाज के संगठन को तोड़ने में कारण न बनूं। मेरी भूमिका जोड़ने की होनी चाहिए, तोड़ने की नहीं। आए लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के पीछे समाज के व्यापक हितों की उपेक्षा करते हैं और सब प्रकार की राजनीति की कुचक्र रचकर समाज के सामंजस्य को तार तार कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए। और हमारे गुरुदेव कहते कैंची नहीं सुई बनो। कैंची का काम काटने का है, सुई का काम जोड़ने का है। हम लक्ष्य बनाए, हम सुई बनकर जोड़ने में कारक सहायक बनेंगे, तोड़ने का काम, काटने का काम जीवन में कभी नहीं करेंगे। यदि ये दृष्टि हम अपना करके चलते हैं तो परिणाम बहुत ही अलग होंगे। इसकी बहुत आवश्यकता है, इस पर सभी को ध्यान देने की जरूरत है। संगठन की दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम अलग अलग पंथ के हों, अलग अलग मत के हों, अलग अलग गुरु को मानने वाले हों, अलग अलग परंपराओं में विश्वास करने वाले हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपस में लड़े नहीं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपस में उलझे नहीं, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपस में टकराए नहीं, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। और यदि हमने ऐसा कर लिया तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बंधुओं, जैसे सितार में 7 तार होते हैं, 7 तार अलग अलग होते हैं, लेकिन जब भी उसमें उंगलियां चलाई जाती हैं तो 7 का स्वर समवेत होता है, मधुर संगीत निकलता है। यदि 7 तार अपने अलग अलग स्वर देने लगे तो सितार भी सिरदर्द बन जाएगा। तो समाज में अलग 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 पंथ हो, मत हो, उसके तार अलग अलग हो, कोई दिक्कत नहीं, पर जब भी उसमें उंगलियां चलाई जाए तो स्वर संवेत होना चाहिए, तो समाज में संगीत का वातावरण निनादित होता रहेगा। स्वर एक फूटे, एक छत्ते के नीचे लोग रहे, तब हम अपना कुछ वजूद बचा पाएंगे और कुछ अच्छे कार्य कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अधिक विस्तार न देकर जिन बातों की चर्चा मैंने आप सबसे की, इस पर गंभीरता से विचार करें और सार्थक पहल करने का प्रयास करें। मैं फिर से कह रहा हूँ, आने वाले 7 जून के लिए लोग मानसिक रूप से तैयार रहें और एक अच्छा कार्य है, इसकी शुरुआत हो। श्रुत पंचमी का दिन है, उस बैठक के बाद जो भी जानकारी होगी आप लोगों को बता दी जाएगी। ये पहली बैठक है और आगे चल करके इस कार्य योजना को बढ़ाया जाएगा। प्रदीप सिंह जी काशलीवाल को इसका जिम्मा दिया गया है, उनके नेतृत्व में कार्य होंगे और इसमें सुनील जी दिल्ली से, जो सेंसस के पहले अधिकारी रहे, जिन्होंने इकोनॉमिक सेंसस किया है, वो इसके साथ जुड़े हैं, और बाहुबली पांडा इसके साथ जुड़े हैं। बाकी पूरा स्वरूप इससे जुड़ने वाला है, जिसकी सारी जानकारी आप सबको समय पर मिल जाएगी। मैं तो लोगों से यही कहूँगा, मानसिकता बना कर रखिए और इस अभियान को गति देने के लिए अपने आप को अंदर से संकल्पित कर लीजिए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।